अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का विद ग्रीन राइस। ये उन लोगों के लिए है जो कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, और चावल तो खाने लेकिन पुलाव बिरयानी से दिल भर गया है। तो ज़रूर बनाइएगा और रिव्यू दीजिएगा कि कैसा लगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, और ज़्यादा आसान करके बता रही हूँ। सबसे पहले चिकन के ये दो पीस हैं, इसको मैंने अच्छी तरह धो के खुश्क कर लिया है और कट लगा लिए ताकि मसाला अंदर तक जाए। और यहाँ मैंने लीमू लिया है, तकरीबन एक लीमू का रस है ये। इस एक लीमू के रस में मैंने चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, चौथाई चम्मच जो है ज़ीरा पाउडर लिया है, चौथाई चम्मच मैंने गरम मसाला पिसा हुआ लिया है, और चौथाई चम्मच ही चाट मसाला है। ये मैंने लीमू के रस में डाल दिया। और चौथाई चम्मच मैंने नमक लिया है, और मिर्च जो है मेरी है पेपरिका, वो 1 टीस्पून है, ज़्यादा है इसलिए ही है कि पेपरिका है ना, इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगी लेकिन इससे कलर बहुत प्यारा आएगा। अच्छे से मिला लिया मैंने, और सारे स्पाइस हैं इसलिए ग्लव्स लाजमी पहने। मसाले को अच्छे से आगे पीछे से टिक्कों पे लगा लें, और इसको मैरिनेट जो आपने करना है कम से कम ओवरनाइट करना है, यानी जिस दिन आप ये बनाना चाहते हैं तो रात से इसको मैरिनेट करके रखें। तो बहुत, एक तो ये कि गोश्त बहुत सॉफ्ट और जूसी हो जाएगा, जो मसाला है वो अंदर तक जाएगा, बहुत अच्छे बनेंगे। और वैसे अगर एकदम से इरादा बन जाए तो जैसे सुबह में लगा लें तो फिर शाम में रात में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ओवरनाइट इसको रखेंगे तो उसमें एक अलग जायका आता है। ये मैं मसाला अच्छे से लगा रही हूँ दोनों के अंदर, और फिर इसको मैं एक शॉपर में अच्छे से पैक करके ओवरनाइट मैरिनेट कर रही हूँ। और जैसे कि ये जो मैंने आपको मसालों का हिसाब बताया है, ये मैंने आपको बताया है तकरीबन 2 टिक्कों का। अब जितने आप लेते हैं, अगर आप 4 लेते हैं तो उसके हिसाब से मसाला ले लें, अगर आप 6 ले रहे हैं तो उसके हिसाब से मसाला ले लें, ठीक है। मैं इसको मैरिनेट होने के लिए रख रही हूँ, मसाला अच्छे से लग गया है। ऑयल मैंने गरम कर लिया है, और जो टिक्के हैं मैंने ओवरनाइट उसे मैरिनेट किया है, और इसे हम डीप फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक अच्छे से गल जाए। जब तक हमारे टिक्के तैयार हो रहे हैं, इन टिक्कों को हम सर्व करेंगे हरे मसाले की चावलों के साथ, तो वो हम तैयार कर लेते हैं। मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून बटर हमारा मेल्ट हो गया है, उसके अंदर मैं फ्रेश गार्लिक चॉप हुआ हुआ डाल रही हूँ। तकरीबन 1 टेबल स्पून लिया है, इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा, और सिर्फ गार्लिक है, जिंजर नहीं है। 1 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर हरी मिर्च चॉप करके डाली है, इसको भी हम लहसुन के साथ साथ भूनेंगे, फ्राई करेंगे अपने चावलों में। साथ ही 1 टेबल स्पून मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ। लहसुन के कच्चेपन की स्मेल आना बंद हो चुकी है, अब मैं 1 टेबल स्पून भर के चॉप हुआ हुआ हरा धनिया पुदीना डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक है, चावल के हिसाब से लिया है मैंने। तकरीबन 5 मिनट बाद मैंने इसे पलटा लगाया है, और उलट पुलट करके हमें 15 से 20 मिनट तक बहुत हल्की आंच पे इनको फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि गोश्त अंदर से अच्छे से गल जाए, कोई भी कसर ना रहे। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि गोश्त बिल्कुल गल जाए, तभी आपके टिक्के जो है मुकम्मल होंगे। इजाफी पानी सारा खुश्क हो चुका है चावलों का, थोड़ा सा रह गया है,
मैं चावलों को एकदम लगा दूंगी। माशाल्लाह से हमारे चावलों में दम लग गया है, बेहतरीन हरे मसाले के चावल तैयार हैं। और देखें जितनी देर में मेरे चावल तैयार हुए, मुसलसल मैं जो अपने टिक्कों को फ्राई करती रही हूँ बहुत ही हल्की आंच के ऊपर, और ये इस वक्त इतने अच्छे से पक चुके हैं। मैंने इनको चेक कर लिया, ये बिल्कुल गल चुके हैं और गोश्त जो है हड्डी से अलग हो रहा है, अब बल्कि इतना मैंने इनको गला लिया। अब मैं इनको निकाल रही हूँ और थोड़ा सा हम इसको रूम टेम्परेचर में आने देंगे, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे।